हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम, दिस इज योर शिल्पा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यम्मी और इजी स्नैक रेसिपी, एंड दैट इज आलमंड ब्रेड, एंड इट टेस्ट जस्ट लाइक आलमंड क्रोसेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आलमंड ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन में एक कप पानी लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। पानी को हमें शक्कर के अच्छी तरह से घुल जाने तक गर्म करना है, इसे हमें बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए, शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है। हीट को हम टर्न ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। जब तक शुगर सिरप ठंडा होता है, हम आलमंड क्रीम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ब्लांच्ड आलमंड फ्लावर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल बादाम को ग्राइंड करके उसका फाइन पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। अब एक बाउल में हम 1 कप बादाम का पाउडर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप सॉल्टेड बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं तो आप इस मिक्सचर में 1 पिंच नमक ऐड कर दें। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ हैवी क्रीम ली है, जो कि 1 कप से थोड़ी कम है और ये रूम टेम्परेचर पे है। तो इसे हम मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी आलमंड क्रीम बनके रेडी हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ एक बेकिंग ट्रे को बटर पेपर लगा के रेडी कर लिया है और यहाँ मैंने कुछ व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हम ब्रेड स्लाइसेस को ट्रे में इस तरह से अरेंज कर देंगे। हमारा शुगर सिरप भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तब एक ब्रश की हेल्प से हम इसे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, बस ब्रेड को हल्का सा मॉइस्ट करना है। शुगर सिरप लगा देने के बाद हम आलमंड क्रीम को ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे हम दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के स्लाइसेस भी रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ सभी ब्रेड स्लाइसेस आलमंड क्रीम लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनके ऊपर भी इस तरह से आलमंड क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ बादाम के स्लाइसेस लिए हैं, तो इन्हें इस तरह से ऊपर से ऐड कर देंगे। तो देखिए, मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, आलमंड क्रीम हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये ब्रेड स्लाइसेस काफी अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इन्हें हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें यहाँ इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। हमारे सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड डिलीशियस आलमंड ब्रेड बनके रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऊपर से हल्का सा पाउडर्ड शुगर के साथ डस्ट भी कर सकते हैं।
Do try this super delicious and easy recipe at home and let me know how it turned out. And if you like this recipe, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.